जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी वो मंज़र कैसा होगा जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है जानकर आप हैरान रह जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिजा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अवलिन तरजीह होते हैं जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम मलजूम भी हो जाते है की उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है मोहतरम नाजरीन जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अल्लाहल ने ईमान वालों के लिए बनाई है और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इनका ख्याल आया जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है वरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीजा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी ये अदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं अदीस में है कि जब कोई रूह इली में पहुँचती है तो वहाँ पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं और इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इली चीन में पहुंचता है मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं बारी ताला है ऐ मेरे बंदो आज तुम पर ना कोई खौफदारी होगा और ना तुम होंगे मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमा बरदार रहे थे तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आँखों को लज्जत हासिल होगी उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे मोहतरम नाजरीन इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे वहाँ जन्नत में उन्हें हर वो चीज मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे हज़रत अबू ताला अब से रिवायत है कि रसुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं की निकल जा तो अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है अल्लाह तला की रहमत की जानब उसके रिस्क की जानब और अपने परवरदगार की जानब जो की गजबनाक नहीं है फिर वो रूह इस तरह मअतर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उमदा खुशबार मुश्क और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाए हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती है और ये खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मयसर आती है फिर वो पहले से मौजूद इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फला आदमी ने क्या किया और फला आदमी का क्या हुआ यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किसी तरह के कामों में मशगूल है और फिर उन्ही में से चंदरवाह आपस में एक दूसरे से कहती है की अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वो तो कब का मर चुका था इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नुम में गया होगा मोहतरम नाजरीन प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो तो आखरत यानी आलम बरजुख में है पेश किए जाते हैं अगर नेकमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं की अल्लाह आपका फजल और रहमत है बस अपनी ये नेमत उस पर पूरी कीजिए और इस पर इसको मौत दीजिए इस तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं अल्लाह इसके दिल में नीकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है की जन्नत में मुख्तलि रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और इनमें से बास को एक साथ रखा जाएगा सुरतूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुबहाना बताला का फरमान है और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की तो इनकी औलाद को हम इन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और इनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे हजरत इबन अब्बास सेन से मरवी है बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आँखों को झंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके असल मुकाम बुलंद करके उसके पास उसके दर्जे में पहुँचा देंगे अगर से ये औलाद अपने अमाल के एतबार से इस दर्जे तक न पहुंचती हो फिर आप वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की इससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ ही रखा जाएगा जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए होंगे जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में ही अल्लाह से माफी मांग ली हो और के दिल से इस्तगफार तो कर लिया हो तो अल्लाह ताला तक फरमा कर जन्नत में दाखिल करेगा जहाँ अल्लाहल उनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा और यकीन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी होगी की दुनिया में इससे जो भी गुनाह सरजद हो चुके हों या कोई गुनाह वाले आमाल उसने किए हों तो इससे वो तमाम आमाल भुला दिए जाएं क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी जहां मनफी ख्याल और गम और गुस्से की कोई गुंजाइश न होगी और एक मोमिन और जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर पच्चीस में इशादे बारी ताला है और जो लोग ईमान लाए और नेक आमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जब उन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया गया था और उन्हें एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे मोहतरम नाज़रीन एक और हदीस में है की रसुल्ला ने फरमाया जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे और उनमें से किसी को अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उनके बिस्तरों के बराबर पहुँचा देगा और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में गुजरे हुए दिनों के बारे में बातें करने लगेंगे इनमें से एक अपने साथी ऐसी कहेगा की ए फ तुम्हें याद है की अल्लाह ने फला दिन और फला फ़ला जगह पर हमारी मगफ़िरत फरमाई थी इस तरह कि हमने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमें मकफ़रत का परवाना अता फरमा दिया था मिजाज मुबारक के बारे में मुतादीस मुबारक में बयान किया गया है कि आप इंतहाई शुगफ्ता मिजाज थे और नर्मी व मोहब्बत से और मुस्कुरा बात किया करते थे ताहम कई बार आप सल सल्लाह बेख्तियार हंस भी देते मगर ये उस वक्त होता जब आप आखरत हालात बयान थे। इमाम हैं, ये कहा गया है कि आप वसल्लम सिर्फ आखरत के अमूर में हंसा करते थे अगर कोई मामला दुनिया से मुतक होता तो इस पर आप सलम सिर्फ तबसुम फरमाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबराम को ये आगाह किया कि माशर जब किसी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी इस पर आप वसल्लम ने हंसकर वाक़े का अहवाल बयान किया बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में ये मुबारक यू बयान की गई है की हजूर नबी अक्रम सल्ह वसलम ने फरमाया मुझे अच्छी तरह मालूम है की सबसे आखिर में जहन्नम से कौन निकाला जायेगा या सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा आदमी अपने जिसम को घसीटता हुआ जहन्नम से बाहर निकलेगा चुनाचे ल इससे फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है चुनाचे वो वापस लौट कर अर्ज गुजार होगा ए रब वो तो भरी हुई है बस अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जा जन्नत में चला जा लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा जन्नत में जाकर फिर गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है बस वो वापस लौट कर फिर अर्ज करेगा ए रब मैंने तो वो भरी हुई पाई है चुनाचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जा और जन्नत में दाखिल हो क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे दस गुना ज्यादा हिस्सा है या फरमाया तेरे लिए दस दुनियाओं के बराबर हिस्सा है वर्ष करेगा एल्ला क्या मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है हालांकि तू हकीकी मालिक है अब्दुल्ला बिन बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर हसूर नबी अलैहि वसल्लम हंस पड़े यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये अहल जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वो गिरता पड़ता और घसीटता हुआ दोजख से इस हाल में निकलेगा की दोजख की आग उसे जला रही होगी फिर दोजख से निकल जाएगा तो फिर दोज की तरफ पलट कर देखेगा और दो से दोब होकर कहेगा कि बड़ी बा बरकत है वो जात जिसने मुझे तुझसे निजात दी और अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई है कि अवलीन और आखरीन में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई फिर इसके लिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा वो आदमी कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साय को हासिल कर सकूं और इसके फलों से पानी पियो अल्लाह फरमाएंगे ए इब्न आदम अगर मैं तुझे ये दे दूँ तो फिर इसके अलावा और कुछ तो नहीं मांगेगा वर्स करेगा कि नहीं ए मेरे परवरदिगार अल्लाह ताला इससे इसके अलावा और ना मांगने का मुहायदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला इसका तज्र कबूल फरमाएंगे क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर उसे सब्र न होगा अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देंगे वो इसके साय में आराम करेगा और इसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर इसके लिए एक और दरख्त ज़ाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा वो आदमी अर्ज करेगा ऐ मेरी परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूँ और इसका पानी पीऊँ और इसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूँगा अल्लाह फरमाएंगे इब्ने आदम क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा अल्लाह ताला फिर उससे इस बात का वादा लेंगे कि वो और कोई सवाल नहीं करेगा ताहम अल्लाह तम में वो माजूर होगा क्योंकि वो ऐसी ऐसी नियमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र न कर सकेगा फिर अल्लाह ताली इसको दरख्त के करीब कर देंगे और इसके साया में आराम करेगा और इसका पानी पिएगा फिर उसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा वो आदमी कहेगा मेरे रब मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके में आराम साई और फिर इसका पानी और और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा फिर अल्लाह ताला इस आदमी से फरमाएंगे ऐबन आदम क्या तूने मुझसे ये वादा नहीं किया था कि तू तो इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा वो अर्ज करेगा हाँ ऐ मेरे परवरदिगार अब मैं इसके बाद इस के इलावा और कोई सवाल नहीं करूँगा अल्लाह उसे माज़ूर समझेंगे वो जन्नत की ऐसी ऐसी रमतें देखेगा की जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा फिर अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देंगे जब वो इस दरत के करीब पहुँचेगा तो जन्नत वालों की आवाज से सुनेगा तो वो फिर अर्ज करेगा ऐ मेरे रब मुझे इसमें दाखिल कर दे अल्लाह फरमाएंगी तेरे सवाल को कौन सी चीज रोक सकती है क्या तू इस पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए वो कहेगा ए रब ए रब्बुल आलमीन तुम मुझसे मजाक करता है ये हदीस बयान करके हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह हंस पड़े और लोगों से फरमाया कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हंसे थे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वो आदमी कहेगा कि आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं तो अल्लाह फरमाएंगे कि मैं तुझसे मजाक नहीं करता मगर जो चाहूँ करने पर कादिर हूँ अल्लाह वजल से दुआ है कि हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब हो कामरान फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए आमीन नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह के तिनवे नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें